क्या इस बार बचा पाएगी समाजवादी पार्टी जसराना विधानसभा सीट? 2017 में पहली बार जीती थी भाजपा, चार बार रहा है सपा का कब्जा। फिरोजाबाद की जसराना विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा चार बार रहा है क्योंकि वहां समाना जाता है, लेकिन 2017 की बात करें तो समाजवादी पार्टी की इस दमदार सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। जसराना विधानसभा सीट पर चार बार मुलायम सिंह के रिश्तेदार रामवीर सिंह यादव विधायक बने और 2007 में वह हार गए। तब निर्दलीय प्रत्याशी राम प्रकाश यादव वहां से जीते थे, लेकिन जब 2012 में फिर चुनाव हुआ तो फिर से रामवीर यादव समाजवादी पार्टी से जसराना के विधायक बने, लेकिन 2017 के चुनाव आते आते समाजवादी पार्टी की अंदरूनी कलह की वजह से जसराना से रामवीर विधायक को टिकट इन्हें नहीं दी, जिससे वह लोकदल से चुनाव लड़े और चौथे नंबर पर रहे, 11,224 वोट लाए और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शिव प्रताप सिंह यादव को हार का सामना करना पड़ा और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राम गोपाल उर्फ पप्पू लोधी को मिला, जो वहां से विधायक बन गए। इस विधानसभा पर यह पहली बार हुआ था कि कोई भाजपा का विधायक बना, लेकिन अब 2022 के चुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी इस बार पूरे मंथन के साथ कार्य कर रही है। जो लोग समाजवादी पार्टी से दूरी बना चुके थे और घर पर शांत बैठ गए थे, उनको वापस समाजवादी पार्टी ने बुला लिया है। उनमें जसराना के पूर्व विधायक रामवीर सिंह यादव भी हैं, जो कि अब फिर से समाजवादी पार्टी में काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने जसराना के लिए आवेदन किया है और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो फैसला करते हैं वह मान्य होगा। अगर वह आदेश देंगे तो हम काम करेंगे, लेकिन इस बार अगर समाजवादी पार्टी से रामवीर सिंह यादव को टिकट मिलती है तो यह सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए निकालना कठिन साबित होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जिताने में रामवीर सिंह यादव का भी रोल रहा, क्योंकि वह लोकदल से चुनाव लड़े और उन्होंने समाजवादी पार्टी के 11,224 वोटों का नुकसान किया, जो समाजवादी पार्टी को मिलते तो वह जीत जाती। अब देखना यह है कि क्या समाजवादी पार्टी रामवीर सिंह यादव को टिकट देती है या फिर समाजवादी पार्टी को जसराना विधानसभा सीट पर फिर से नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। वही रामवीर सिंह यादव का अपना एक स्तर है, वो क्षेत्र उनका है, और यूं ही वो चार बार लगातार विधायक नहीं रहे, और अगर इस समय वो पीछे कोई नातवाकियों के कारण उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया था, परंतु अब वो समाजवादी पार्टी में शामिल हैं तो वो उसको लाभ ही पहुंचाएंगे, और बीजेपी का नुकसान क्या, उनको हराना इतना आसान नहीं होगा, उनके जीतने की ज्यादा संभावना है। फिलहाल की जो स्थिति है वही है। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का नेतृत्व में काम कर रहा हूँ सपा के मार्गदर्शन में। मैं आदरणीय राष्ट्रीय नेतृत्व का, आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो आदेश होगा उसका पालन करूँगा। जनता के हित के लिए जो भी काम कर सकता था, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे जो है सिंचाई के क्षेत्र में हो, चाहे जो है पेयजल के संबंध में हो, चाहे जो है यातायात के संबंध में, सड़कों के संबंध में हो, गांव गलियों और चौपालों के, किसानों के, नौजवानों के, चाहे खेल के मैदानों का हो, चाहे जो भी हो, जो काम कर सकता गांव की खुशहाली के लिए, क्षेत्र की उन्नति के लिए और किसानों के, नौजवानों के उन्नति के लिए और पार्टी के मजबूत बनाने के लिए, समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने का काम किया है। और अगर समाजवादी पार्टी का सहयोग आशीर्वाद मिलता है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, जो आशीर्वाद मिलेगा तो मैं काम करूँगा और पार्टी को जिताने का काम करूँगा। जहाँ जो जिम्मेदारी दी जाती है उसका पालन करता हूँ, जहाँ जिम्मेदारियाँ दी उसका पालन किया। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, प्ले स्टोर पर जाकर क्या ये न्यूज ऐप डाउनलोड करना मत भूलिए। आखिर कितना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दिन का खर्च? सिंधिया परिवार की संपत्ति के बारे में जानकर अंबानी और अडानी के भी होश फाख्ता हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि आरबीआई पुराने और कटे फटे नोटों का क्या करता है, और अगर अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री की मौत हो जाए तो उसकी डेड बॉडी के साथ क्या किया जाता है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार फैक्ट्स और न्यूज पढ़ने के लिए KIA न्यूज ऐप डाउनलोड कीजिए।